बदल गया डायलॉग, नहीं रहा अब अंधा कानून, न्याय की देवी की आंख से खुल गई पट्टी, हाथ में तलवार की जगह अब संविधान की कॉपी होगी। कानून अब अंधा नहीं है, जी हाँ, क्योंकि न्याय की देवी की आंख से पट्टी अब हट गई है, हाथ में तलवार की जगह संविधान की कॉपी होगी। यह नए भारत के न्याय की नई तस्वीर होगी जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगा दिया गया है। आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी न्याय की देवी की ये नई तस्वीर देखने को मिलेगी। कुछ समय पहले IPC यानी इंडियन पेनल कोड को बदलकर भारत न्याय संहिता किया गया। अंग्रेजों की गुलामी वाले प्रतीकों को बदल दिया गया है, जो एक मैसेज है कि अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक अब इस देश में नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के निर्देश के बाद ही न्याय की देवी का बदला स्वरूप देखने को मिल रहा है। दावा किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने न्याय की देवी की मूर्ति को ऑर्डर देकर बनवाया है, जिसका उद्देश्य संदेश देना है कि कानून अंधा नहीं है और सजा का प्रतीक है। जबकि पुरानी मूर्ति की आंख पर पट्टी दिखा दी थी, कानून की नजर में सब बराबर हैं, जबकि तलवार सजा देने की पावर का प्रतीक थी। मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू समाज में संतुलन का प्रतीक है। न्याय की मूर्ति के बदलने के पीछे की वजह हैं ब्रिटिश शासन की विरासत को पीछे छोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने ब्रिटिश शासन के समय से लागू इंडियन पिनल कोड कानून की जगह भारतीय न्याय संहिता कानून लागू किया था। लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति में बदलाव करना भी इसी कड़ी के तहत उठाया गया। इसलिए अब फिल्मों का वो बहुचर्चित डायलॉग कानून अंधा है भी बदल जाएगा। मोदी सरकार शुरुआत से ही अंग्रेजों की मानसिकता से आजादी की दुहाई देते हुए तमाम बदलाव देश में करती आई है। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।